पिछले 12 से 18 महीनों में मिड कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इससे कई शेयरों की कीमत आसमान में पहुंच गई है। न सिर्फ शेयरों में बल्कि मिड कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीमों में भी निवेशकों ने जमकर पैसे लगाए हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये तेजी बरकरार रहेगी। मिड कैप शेयरों में 2020 में आई बड़ी गिरावट के बाद से तेजी जारी है। इन शेयरों का प्रदर्शन लार्ज कैप शेयरों के मुकाबले बेहतर रहा है। कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद मार्केट में आए नए निवेशकों ने फिनटेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मिड कैप स्टॉक्स में निवेश के लिए किया है। मार्केट शेयरों की सीमित फ्लोट होने की वजह से कई मिड कैप स्टॉक्स की कीमतें आसमान में पहुंच गई हैं। इस बारे में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने रिपोर्ट में कहा कि पिछले 12 से 18 महीनों में मिड कैप शेयरों में आई तेजी की वजह इन कंपनियों की तेज ग्रोथ के साथ इन शेयरों को लेकर ज्यादा चर्चा है। कोटक ने अपनी रिपोर्ट में मिड कैप शेयरों के बारे में दिलचस्प बात बताई है। उसने कहा कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के शानदार प्रदर्शन में कुछ चुनिंदा शेयरों का बड़ा हाथ रहा है। बीते एक साल में इंडेक्स के रिटर्न में सिर्फ 25 शेयरों के करीब 50% हिस्सेदारी रही है। इस तेजी की बदौलत कई कंपनियों के नाम सुर्खियों में आए हैं। इस रिपोर्ट में कहा कि कुछ मिड कैप शेयरों को कंपनियों के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का फायदा मिला है, लेकिन ज्यादातर शेयरों में तेजी की वजह मिड कैप शेयरों को लेकर निवेशकों का उत्साह है। मिड कैप इंडेक्स के प्रदर्शन में कुछ कंपनियों की बड़ी भूमिका का मतलब ये है कि ज्यादातर मिड कैप फंडों का प्रदर्शन इंडेक्स के मुकाबले कमजोर है। पिछले 3 साल में करीब 80% मिड कैप फंडों ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कम रिटर्न दिया है। 25 मिड कैप फंडों में 20 का रिटर्न बेंचमार्क से कम रहा है। बिल्डिंग मटेरियल, अपैरल और फुटवियर रिटेलिंग, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स और स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों का प्रदर्शन पिछले 18 महीने में कमजोर रहा है। इस इंडेक्स के 150 स्टॉक्स में 36 ने इस दौरान 10% से कम का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप फंडों का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। इस कैटेगरी के 74% फंडों ने अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया है। 23 फंडों में से 17 का रिटर्न बेंचमार्क से कम रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल 150 शेयरों में से 61 ने 50% ज्यादा रिटर्न दिया है। 42 ने 20 से 50% तक का रिटर्न दिया है। 11 का रिटर्न 10 से 20% के बीच रहा है। 18 का रिटर्न 0 से 10% तक रहा है। बाकी 18 का रिटर्न नेगेटिव रहा है। कोटक की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ चर्चा की वजह से किसी शेयर में लंबे समय तक तेजी जारी नहीं रह सकती। कम रिटर्न देने वाले शेयरों में कई ऐसे शेयर शामिल हैं जो कभी काफी चर्चा में थे, लेकिन इन कंपनियों के बिजनेस का प्रदर्शन शेयरों में आई तेजी के मुताबिक नहीं रहा। इस वजह से इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020 में मिड कैप फंडों में सिर्फ 500 करोड़ रुपए का निवेश आया था। इसके मुकाबले इन फंडों में सिर्फ जुलाई 2024 में 1,600 करोड़ रुपए का निवेश आया।